प्रयागराज जनपद के थाना शंकरगढ़ के अंतर्गत नारी बारी पुलिस चौकी क्षेत्र में ग्राम मोहरिया में घर के बाहर रात में सोए हुए व्यक्ति की किसी लोहे की बट या धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई। वहीं मृतक महेश दत्त तिवारी पुत्र सूर्य दत्त तिवारी उम्र लगभग 48 वर्ष निवासी ग्राम देवरा मोजा मोहरिया प्रत्येक दिन की तरह रात का भोजन करके गर्मी से राहत हेतु घर के बाहर द्वार पर चारपाई सो गए। सुबह भोर में प्रतिदिन उठने की आदत थी, ना उठने पर पत्नी गायत्री देवी ने 2-3 बार आवाज़ देकर बुलाया, लेकिन जवाब ना आने पर पास पहुंचते ही खून से लथपथ पति को देखकर अवाक रह गई और रोते विलखते हुए बच्चों को आवाज़ दी। आवाज़ सुनकर बच्चे पहुंचे तो पिता के सिर पर हमले और खून से लथपथ देखकर सभी बिलखने लगे। आँख कान के नज़दीक कनपटी और सिर कान पर जैसे धारदार हथियार या भारी लोहे से हमला किया गया हो। प्रयागराज से अजय पांडे की रिपोर्ट। करीब 12-1 बजे के बाद ये घटना भैया हुई है। भाई कोई तो आदमी देखा नहीं बने आखिर। कल शाम के मड़ई छाई 8 बजे मड़ई उठी, उसके बाद खाना पीना खाए, उसके बाद सो गए। हाँ 8 बजे मड़ई उठवाई हूँ, उसके बाद खाना पीना खाए सो गए। अब 12 बजे रात के बाद ये घटना हो सकती है, दिन में तो कोई तो पहले नहीं। अच्छा, जानकारी कैसे आप लोगों को हुई? जानकारी सुबह हुई 5 बजे। घर के लोग बाहर आए देखे। कैसे हमला किया गया, देख के क्या लगता है कि कैसे हमला किया गया? ऐसा लगता है कि मतलब ये हथौड़ा होगा या घन होगा या टांगा के पसेट। अच्छा, मतलब ये 3 आइटम में किसी एक आइटम से हुआ है, मतलब यहाँ कान के बगल से लीद लूद सब निकल आई है यहाँ। अच्छा, मृतक का क्या नाम है? महेश दत्त तिवारी। अच्छा, आपका क्या नाम है? विजय दत्त तिवारी।